नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका प्रयास प्रदेश के हर क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से उपेक्षा की है कि प्रदेश में जन सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से संबंधित योजनाओं को जल्द पूरा कराने में योगदान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्र से राज्य सरकार को लगातार सहयोग मिल रहा है। पिछले 7 साल में सड़क व रेल की अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य को मिल चुकी हैं। सड़कों का विस्तार हुआ है। दिल्ली देहरादून यात्रा निकट भविष्य में और सुगम होने वाली है। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल दाग रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुंभ में कोविड टेस्टिंग में हुआ फर्जीवाड़ा सबके सामने है, लेकिन इस फर्जीवाड़े में कितना बड़ा घोटाला हुआ इसकी जांच चल रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने जांच को सही बताया है। वहीं हरीश रावत का कहना है कि जिस घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल हों, वहां इसके अलावा बीजेपी कुछ कह भी नहीं सकती। हरिद्वार कुंभ में कोविड के फर्जी टेस्ट हुए, करोड़ों के पेमेंट में गड़बड़ी हुई। इन्हीं आरोपों की जाँच की आज अब आरोपियों तक पहुंच चुकी है। तो कोविड टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि कुंभ मेले में जो कोविड टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है वो सबके सामने है, लेकिन इस फर्जीवाड़े में कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसकी जांच चल रही है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच को सही बताया है। वहीं हरीश रावत का कहना है कि जिस घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल हो, वहां इसके अलावा बीजेपी कुछ कह भी नहीं सकती। हरिद्वार कुंभ में कोविड के फर्जी टेस्ट हुए, करोड़ों के पेमेंट में गड़बड़ी हुई। इन्हीं आरोपों की जांच की आज अब आरोपितों तक पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 अगस्त को देहरादून आएंगे। दून में केजरीवाल हाथी बड़कला से घंटा घर तक रोड शो करेंगे। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। बता दें कि विगत 11 जुलाई को अरविंद केजरीवाल देहरादून आए थे। इस दौरान उन्होंने चुनाव जीतने पर प्रदेशवासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा लगभग 1 महीने बाद एक बार फिर होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं व दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो उत्तराखंड में चुनाव है, इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर वो सियासी माहौल को गर्माने के लिए उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाले हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, 9 अगस्त को मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर है, क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है उनके आगमन को लेकर? आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो मेजर जिनको यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, तो सब जुड़ गए हैं और आम आदमी जो है वहाँ पे कार्यकर्ता जो है उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये दूसरा दौरा है और 1 महीने के अंतराल की बात करें तो 1 महीने के अंतराल के अंदर ही उनका ये दूसरा दौरा है। जब वो 11 जुलाई के पहले जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने तभी ऐलान कर दिया था कि 1 महीने के अंदर एक बार फिर से वो दौरा करेंगे उत्तराखंड का। तो इस दौरे को देखते हुए लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहां पर बैनर पोस्टर लगाकर उनके स्वागत समारोह की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा समारोह ये जो है होने वाला है। जी कीर्ति, काफी बड़ा समारोह तो होने वाला है, माहौल भी बनाने की पूरी कवायद जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे तरह से करी जा रही है, लेकिन जो अहम घोषणाएं वो करने वाले हैं वो कौन सी घोषणाएं शामिल होने वाली, क्योंकि फ्री बिजली की घोषणा तो वो पहले ही करके गए थे। जी जी, देखिए अहम योजना अगर बात करें कि किन योजनाओं की वो घोषणा कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि शिक्षा रोजगार को लेकर जो है वो कुछ बड़ा
ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब आए थे उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली की और दिल्ली मॉडल के विकास मॉडल की जो बात करी थी, क्योंकि जाहिर है कि जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है उसकी तारीफ हर ओर होती है और उसी के बेसिस पे अरविंद केजरीवाल किसी भी राज्य में जाते हैं तो दिल्ली विकास मॉडल की बात करते हैं। पिछली बार उन्होंने उत्तराखंड आकर दिल्ली विकास मॉडल की बात करी, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात करी और साथ ही आपकी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि कुमाऊं और गढ़वाल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ के कुछ प्रत्याशियों का भी हो सकता है वो ऐलान करें, 10-10 प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। और साथ ही ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेहरा जिसको बनाने की कवायद काफी दिनों से चल रही थी कि किसको बनाया जाए, उसमें कई नाम जो है वो शामिल हैं, लेकिन अब इसमें हो सकता है कि चीजें स्पष्ट हो जाए कि आम आदमी पार्टी किसको चेहरा बना रही है। और साथ ही जिन योजनाओं की अगर बात करें कि किन योजनाओं की ऐलान कर सकते हैं, तो वो शिक्षा, रोजगार से जुड़े, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस पर बड़ी बहस कर सकते हैं, कल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी योजनाओं का ऐलान तो होने ही वाला है क्योंकि ये अहम माना जा रहा है और माहौल को गर्माना है, सियासी हलके में कुछ ना कुछ खलबलाहट मचानी है, तो शिक्षा रोजगार का मुद्दा चुना गया है। लेकिन 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था, अपने कार्यकर्ताओं को, कि जिस तरह से जाएं वो पब्लिक के बीच में और वहां पर गारंटी कार्ड दे, तो उसको लेकर अभी अभियान की कहां तक पहुंची है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा करेंगे। यूनिट फ्री बिजली का ऐलान उन्होंने किया था और ऐलान करने के बाद उन्होंने ये बोला था कि जाके वहां पर कार्यकर्ताओं से कहा था कि घर घर जाकर इस योजना के बारे में बताएं, लोगों को इसकी जानकारी दें। तो तमाम ये जो जानकारी थी 300 यूनिट फ्री बिजली की, वो लोगों को बताने के लिए कहा गया था। हालांकि कांग्रेस और भाजपा भी दूसरी तरफ जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि अगर उसकी गवर्नमेंट बनती है तो वो भी फ्री यूनिट बिजली देने के लिए तैयार है। हालांकि उत्तराखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जो अभी चुनावी माहौल से बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी देखा गया था कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था उत्तराखंड में, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि रोजगार नहीं, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि हो सकता है केजरीवाल आने वाले दिनों में या फिर कल जो उनका दौरा होने वाला है वो शिक्षा और रोजगार को लेकर कुछ बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफी दिन पहले भी देखा गया था कि उत्तराखंड में काफी लोग जो है लॉकडाउन के चलते जिन लोग का व्यापार चला गया था, जिनके पास रोजी रोटी के लिए कुछ कमाई का जरिया नहीं था, वो उत्तराखंड से पलायन करने लगे थे लोग। इसके लिए एक अभियान बीजेपी चला रही थी कि लोगों से जाके मिले, उनको रोजगार दें और इस तरीके की बातें करने की बात कर रही थी। लेकिन हालांकि स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा तो है ही है, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा ही प्रबल रहा है, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से उनके फ्री बिजली वाले घोषणा के बाद अब इसमें कांग्रेस और भाजपा भी कूद गई है, हालांकि भाजपा सत्ता में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऐलान के बाद अब उन्होंने फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है, तो पूरे तौर पर सियासी महकमे में हड़कंप तो मचा ही है, साथ ही साथ ये खलबली भी है इस रेस में कि कौन आगे निकलेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि भाजपा को अगर कोई कड़ा प्रतिद्वंदी था तो वो कांग्रेस ही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के जो लगातार दौरे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही है। और इससे साफ जाहिर है कि उत्तराखंड में जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ने का मन बना चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए कि तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीच में कमजोर होती हुई दिखाई दी थी, अंदर खाने कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत चल रही थी, प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर, नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर तमाम ऐसे पद थे जिसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह आमने सामने आ गए थे, ये बात भी उठी थी कि दोनों नेताओं में बन नहीं रही है, लेकिन आला कमान ने ये मिलकर दोनों नेताओं को समझाकर, क्योंकि काफी सीनियर नेता रहे हैं, अगर हरीश रावत की बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तराखंड के और प्रीतम सिंह काफी पुराने और काफी दिग्गज नेता है, ऐसे में पार्टी चुनाव से पहले दोनों नेताओं में से किसी को भी खोना नहीं चाह रही थी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस का हर जगह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस नुकसान की भरपाई भी अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई है और जिस तरीके से पैदा हुई है बिल्कुल शहबाज, और देखना अहम होगा कि इस कॉम्प्रोमाइज की स्थिति से कांग्रेस को कितना हालांकि आगे फायदा होता है।
और भाजपा किस तरह से बढ़त मना पाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली मॉडल का ऐलान एक बार फिर से उत्तराखंड में कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में केजरीवाल का दौरा 9 अगस्त को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब ये मुद्दे हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचेंगे, वहां पर लोगों के मन में भरोसा उत्पन्न करेंगे कि वो इस को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का ऐलान तो पहले ही केजरीवाल कर चुके हैं, तो उसको लेकर तैयारियां भी दुरुस्त की जा रही हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल के आगमन को लेकर तमाम कार्यकर्ता उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर रहे हैं। उत्तराखंड में 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई और 59 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। अब राज्य में कोरोना के 492 सक्रिय मामले बचे हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के 4 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। अब तक कुल मरीजों की संख्या 568, कुल मौत 126 और ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 246 हो गई है। हरिद्वार की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर आतिशबाजी करने वाला तीसरा आरोपी को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभी तक नामजद 2 भाइयों अंकुर पाल और विजय पाल को गिरफ्तार किया था, वहीं तीसरा नामजद आरोपित सुमित चौहान पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रकरण में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वंदना कटारिया के परिजन और कई संगठन मुकदमे में देशद्रोह के धाराओं में आरोपित को और धाराओं में बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। अब तक कई लोगों की मलबे में दबकर जान चली गई। शनिवार को भूस्खलन के चलते जोशीमठ के झाड़कुला इलाके में स्थित होटल का एक हिस्सा ढह गया। खतरे को भांपते हुए होटल प्रबंधक ने सुबह ही सभी सैलानियों को बाहर निकाला। होटल की बिल्डिंग ढहते ही हर तरफ मलबे का गुबार देखने को मिला। होटल के बाहर बैरिकेड लगाकर किसी के भी वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। पौड़ी के विकासखंड खिरसू के अंतर्गत अतिवृष्टि और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पहुंचे। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नुकसान का तत्काल आकलन कर रिपोर्ट तैयार करें, साथ ही 24 घंटे के अंदर प्रभावितों को मुआवजा देने की भी बात की है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें संतावना भी दिया। कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले में जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। डेढ़ महीने से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद एसआईटी एक आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 दिनों से मैक्स कॉरपोरेट के पार्टनर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उत्तराखंड यूपी दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का कहना है कि एसआईटी की जांच का दायरा काफी बड़ा है, सभी पहलुओं पर विचार करके कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्टे खत्म होने के बाद पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दबिश देगी। इस कोरोना जो घोटाला में जो है एसआईटी बहुत अच्छी तरह से जो है जांच कर रही है। इसमें जो है अभी तक जांच में जो है विभिन्न लैब और उसका बीच में जो मिडिल मैन है उसका भूमिका जो है क्लियर करके हमारे पास अहम सबूत मिला है। उससे जो है हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है और माननीय न्यायालय से भी जो भी आदेश है उसको भी स्पष्ट होकर माननीय न्यायालय ने जो है हमें क्लियरेंस भी दे दिया है। उस आधार पर आगे पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।